हेलो गाइस, अब मैं छत पे आसान माता की पूजा उसे कहते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राम राम जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे बहुत मज़े में होंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कुछ नया, मतलब ट्राई कर रही हूँ। वैसे तो ऐसे बटाटा बड़ा बनता है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मैंने टिकिया बनाई है आलू की, इसको बेसन में डीप करेंगे और इसके बाद जो है ये बेसन में चारों तरफ लपेट के और इसको तावे पे जो है फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। और ये पुरानी क्लिप है मेरी, मैंने बहुत दिन पहले बनाई थी लेकिन मैं डालना ही भूल गई थी, तो मैंने सोचा चलो आज शेयर कर देते हैं। कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। तो तावे पे इसको मैंने बना दिया। तो ये इसको मेरे हिसाब से कहेंगे तावा बटाटा वड़ा, इसी नाम से इसको पुकारेंगे शायद। हेलो गाइस, राम राम जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैंने हेयर वॉश किया और ये मैं लीड ली हूँ, तो मैं सोच रही हूँ इसे कहाँ अटकाऊँ, मैं ऐसे रख देती हूँ। और मैंने हेयर वॉश किया तो ये सब जो है ना अंदर कर ली थी, क्योंकि वो गीला होने का खतरा रहता है ना। तो अभी जो है गैस पर चढ़ी हुई है खिचड़ी, मैं बना रही हूँ खिचड़ी। और आज मैं अपने दोस्त से फ़ोन पर भी बात कर रही थी स्पीकर पर, और बाल भी मैंने वॉश कर लिया था। कल के वीडियो को आप लोगों ने बहुत सराहा है, बहुत प्यार दिया, इसलिए थैंक यू। अभी खिचड़ी बनाई है दाल और चावल की, अब इसमें तड़का लगाऊंगी लहसुन और मिर्च और प्याज से। और जो कल मैयर माता के यहाँ से उन्होंने मेरे पतिदेव लेके आए थे चुनरी, मैंने यहाँ पे लगा दी है। इसमें माँ शारदा जी की फ़ोटो बनी है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो है प्रसाद जो है वो रखा हुआ है फ्रेंड्स। तो प्रसाद में नारियल है, लाई है और मीठा है, और ये फूल है। तो नारियल जो हमारे पतिदेव जी को काम था तो चले गए, जब वो आएंगे तो वो फोड़ेंगे, तब जो है हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे साथ में। और सिंदूर भी है, तो इतना प्रसाद जो है मिला है। तो ब्लॉग में बने रहिए। हेलो गाइस, अब मैं छत पे आ गई हूँ। मैंने जो है बाल उल झाड़ दिया है अपना, और पता नहीं क्यों मैं जैसे ही शूट करने बैठती हूँ ट्रेन चली जाती है। और मैं दो दिन से ऐसा देख रही हूँ, दो बार से फ्रेंड्स जो चीज़ एक्सपीरियंस किया वो आप लोग से शेयर करती हूँ, कि पहले मेरे बाल बहुत टूटते थे फ्रेंड्स, लेकिन दो बार से जब से मैं बालों को अपने धूप दिखा रही हूँ तो जैसे लग रहा है मेरे बाल स्ट्रांग बन रहे हैं। तो आज मैंने अपने बाल धोए, अपने बालों को झाड़ा, मतलब झटका उटका तो बहुत कुछ किया, लेकिन मेरे बाल सिर्फ एक दो टूटे हैं, आप विश्वास नहीं मानोगे। तो हो सकता है कि धूप से कुछ ऐसे तत्व मिलते होंगे हमारे बालों को, जो कि मतलब बालों को झड़ने से रोकते होंगे। तो इसलिए मैंने आज आप लोग से ये चीज़ शेयर की, आप भी कर सकते हो। मैं छत पे हूँ, बहुत अच्छी धूप है छत पे, और ये झंडा जो फहराया गया है ये यहाँ पे है, वहाँ पे फूल उल गिरा है, एक मिठाई भी चढ़ाई गई है, और हवाएं तो साथ में चल रही हैं। आपके तरफ कैसा है मौसम बताइएगा? मैं तो बहुत अच्छा मौसम, मैं स्वेटर भी नहीं वेयर कर रही हूँ क्योंकि धूप इतनी अच्छी लग रही है, तो स्वेटर क्या वेयर करना। हमारे यहाँ से सब कुछ लीजिएगा, केक वगैरह सब कुछ जो है रखते हैं। तो कैसे वहाँ इतना सब कुछ रखेगा यार? क्यों, किराने का भी सामान, सब्जी, एडवांस लिए? ये छीन लेगा पेचकस से, ऐसे नहीं तो चाय देखते रहिएगा जरा। मैसेज कर रहे हैं सब लोग, जीजू बड़ा अच्छा ब्लॉग बनाए हैं, समझे? भैया मुझे चाय देखें, ये
माँ चाय बह जाई। इसको फ्राई करें कि नहीं लाई? हाँ तो फ्रेंड्स, नारियल जो है फूट चुका है, तो आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए माता रानी जी का। और एक छोटू सा फूटा है, एक बड़ा सा फूटा है, मेरे पतिदेव जितने फोड़े फोड़े हैं, थोड़ा सा वो खा के भी गए हैं, और मैं भी थोड़ा सा ले लेती हूँ सोच रही हूँ। हेलो गाइस, तो चलिए अब आपको हम चलते हैं लेकर। मैं गई थी कल एक पूजा में, आसान माता की पूजा उसे कहते हैं, दुधवारिया खिलाना कहते हैं, 7 सुहागन या 14 सुहागन या 21 सुहागन ऐसे उसे खिलाया जाता है। तो वहाँ पे जो है मुझे भी बुलाया गया था, और इस पूजा में अगर बुलाया जाता है तो मना नहीं किया जाता है। हमारी मौसी जी बताई थी, हमारे दोस्त लोग भी बताई थी कि ये बड़े भाग्य से इस पूजा में बुलाया जाता है, तो जाना चाहिए। तो मैं भी गई थी, किस तरह से क्या हुआ आप लोग देखिए, और वीडियो के लास्ट में मैं क्वेश्चन ज़रूर पूछूँगी, तो बने रहिएगा। कि पैसा कहाँ है? कहे माँ जी, वो बोले हैं कि हम महीने में देंगे। कहे अच्छा, रोज डेली जाती थी, ऐसे करती थी, डेली जाती थी, शंकर जी को चढ़ा के चली आती थी, गंगा मैया को बोले के चली आती थी। जब महीना आया तो सर कहीं बहू, आज तो एक महीना हो गया है, आज तो तुमको पैसा मिलेगा। तो कहे हाँ माँ जी, आज हमको पैसा मिलेगा। तो जब गई फिर दही लेके गई, फिर वहाँ से चढ़ाई, तो वहाँ से तो कहती है गौरा मैया, हमको मतलब कि हम इतने दिन से कर, अब हम जाएंगे अपने अपने साथ, हम कहाँ से पैसा देंगे। वो डाल के ऐसे ही चली आए, और बेटा ऐसे घर में लाई टांग दी। तब उसके बाद फिर सास बोली कि बहू पैसा मिला? तो कहे कि हाँ माँ जी मिल गया है। तो कहे कहाँ है? तो कहे वहाँ ऊपर टांगे हैं। कहे अच्छा। तो फिर जब उसको कहने के, अब वो बेचारी बहुत डर रही थी, जब उसकी सास ऐसे उतारी और उसने फिर उठारा सोना चांदी पैसा खूब भरा था। तो कहे कि अरे बहू, कहे कि माँ जी हम आपको एक बात बताएं। कहता हम कहते हमको पैसा नहीं मिला, हम रोज दही ले जाके वहाँ शंकर जी और गौरा मैया को वहाँ चढ़ा देते थे, और वहाँ पर चले आते थे, हम कभी बेचे नहीं थे, तो हम दही बेचते थे। अब फिर हम ऐसे टांग दें, हम आपसे झूठ बोले। तो मतलब ये सब मतलब देवी मैया की और शाम देवी की ही कृपा से हुआ है। तो है शाम देवी जैसे सबके कृपा की, वैसे हमसे भी कृपा बनाए रखी है। बनाए रखना।
अब बता देती हूँ, जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन कुछ इस तरह था कि मेरे पति देव जी के साथ जो अंकल मैयर गए थे उन्होंने किस कलर का गमछा अपने सर में बांधा था। तो बहुत लोगों ने सही जवाब दिया, बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे, रेड था कि ऑरेंज था। तो मैं बता दूँ ऑरेंज कलर का वो गमछा था। और सबसे तेज़ जवाब दिया है गायत्री जी ने, उनका यहाँ मैं स्क्रीन शॉट लगा रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, उन्होंने सबसे पहले जवाब दिया है। और आज का क्वेश्चन ये मैं पूछने जा रही हूँ कि जब मैं टिकिया बना रही थी तो थाली में मैंने टिकिया बना के रखी हुई थी, तो कितनी टिकिया जो है थाली में पड़ी हुई थी, तो वो आप लोग को बताना है। जो सबसे पहले मैसेज करेगा उसका मैं कल के ब्लॉग में नाम लूँगी, पिन करूँगी, कॉमेंट्री पे भी शेयर करूँगी। तो प्लीज़ जल्दी करिए, जल्दी जल्दी से मैसेज करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।